आफज़ुलरिम बसमिल्रणीम असल क्लास कैसे हैं सब उम्मीद करते होंगे सब बखार आफ़ियत होंगे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़मान में रखे आज हम अपनी लेक्चर का आगाज़ करते हैं हदीस नंबर चार आज हमने पढ़नी है ईमान की शाखें अनबी हुरारा कौला हज़रत अबी हुर, अबू हुरारा रजील तैनो रिवायत करते हैं कॉले फर रसोल सल्हलम ने कॉले रसोल सल्ला वसम ने फ़रमाया अमान इमान बिज़ुन जायद वसभा सत्तर शाखें हैं शोबा शाखें हैं वफ़ी रिवायत ने और एक रिवायत में हैं बिज़ुन जायद हैं वसीतूना साठ साठ शोबाता शाखें वहया शोबा शाख़ है मन ईमान की अखरजाकमस तो इसको बयान किया है पाँच महादसें ने वह ज्यादा और जायद है वफ़ी रवायतिन रिवायत में ये जायद अल्फाज हैं अफजल और सबसे अफजल है अकौलू कहना ला, ला कहना वदनाहा और सबसे कमतर है इमामतो दूर करना अल तकलीफ़ दे चीज़ को अनि तरीके रास्ते से अबा मुहावरत तर्जमा देखते हैं अब हुरार रज़ी तैनों से मरवी है वो कहते हैं रसोल्ला सल्ह वसम ने फ़रमाया ईमान की सतर से कुछ जायद शाखें हैं और एक दूसरी रिवायत में है कि साठ से कुछ जायद शाखें हैं और हया ईमान की एक शाख है इस हदीस को पाँच महादसन ने बयान किया है और एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं बस इन शोबों में सबसे अफज़ल ला कहना है और इन शोबों में सबसे कम दर्जे का शोबा यह है कि तकलीफ़ देह चीज़ को रास्ते से हटा दिया जाए अब हम इसकी हशरी देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका हदीस का जो पॉइंट बयान किया गया वो ईमान की शाखें बयान की गई हैं कि ईमान के सतर से कुछ जायद शाखें बयान की गई हैं अब ईमान क्या है ईमान सबसे पहले हम ईमान देखते हैं ईमान उस दिली कैफियत का नाम है उस दिली तस्दीक का नाम है जिसके जरिए हम अज्जा ईमान यानी अल्लाह तला ने ईमान के जितने भी अज्जा बताए हैं ईमान के जितने भी अजा हैं उसकी हम दिल से तस्दीक करते हैं दिल से उस पर ईमान लाते हैं और उसमें से किसी भी एक जुज़ है उसका इनकार नहीं करते अब अजाय ईमान क्या हैं उनमें अजाय ईमान जो हैं वो हैं तोहद रिसालत आख़रत मलाइका समाविक कतुब इन सब पर क्या है? यकीन करना और इसका दिल से इकरार करना और इसमें से किसी भी एक चीज़ का इनकार इनकार करना और जो है वो हमें मुसलमान होने के दायरे से निकाल देता है अब सबसे पहले हम अज्जा ईमान में तोहद देखते हैं तोहद जैसा कि सब जानते हैं कि तोहद अल्लाह ताला को एक मानना उस, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करना और उसी के सामने सजदा रेज होना फिर दूसरा है रिसालत रिसालत यानी आ, र, र, रसूलों पर ईमान लाना रसूल कौन होते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अप, आ, अपना करम किया और उन उनको नबोत अदा की और उन पर एक ऐसी जिम्मेदारी इस है उनको सरफराज किया कि अल्लाह ताला की जितनी भी तालीमत हैं उसको दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाना और उनको हिदायत का रास्ता उनको दिखाना फिर है मलाइका मलाइका यानी फरिश्ते फरिश्तों पर ही लाना कि वो अल्लाह ताली की नूरी मखलूक हैं आ, और आखरत आखरत यह है कि आखरत के दिन आ, एक ऐसा दिन जिसके जिसमें अल्लाह ताला तमाम दुनिया के जो इंसान हैं उन सबको दोबारा जिंदा करेंगे और तमाम इंसान जो वो अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे और अपनी दुनिया जिस तरीके से गुजारी है दुनिया में जो कुछ भी किया है उस श, उन सब का जवाब दें होंगे उन सब के बारे में जवाब दें होंगे फिर है समावी कुतुब समावी कुतुब यानी आसमानी किताबें यानी तौरात ज़बूर और इंजील और कुरान पाक ये सब समावी कुतुब यानी आसमानी कुतुब जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर नाजिल किए उन्हें समावी कुतुब कहा जाता है अब इन तमाम ईमान का दिल से इकरार करना और इस पर ईमान लाना और इस पर अमल करना अब ईमान का ताल्लुक जो है वो हमारे जितने भी ज़ाहरी अमाल साले हैं उन सब का ताल्लुक हमारे ईमान से है जैसे कि ज़ाहरी अमाल अगर हम देखें तो हमारे जैसे नमाज पढ़ना ये भी ज़ाहरी तौर पर हमें नजर आता है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है यानी वो मुसलमान है और जो रोजे रखता है वो मुसलमान है हज करना और ज़ौत अदा करना फितराना वगैरह अदा करना ये तमाम चीज़ें क्या हैं ये मुसलमानों के ज़ाहरी ने एक अमाल हैं जो भी इंसान को अगर कोई देखता है इन सब अमाल को करते हुए तो वो समझ आता है कि ये इंसान जो है वो मुसलमान है और ये तमाम अमाल जो हमारे ज़ाहरी तौर पर हम दूसरों ज़ाहरी जाहर, तौर पर जो हम अमाल करते हैं नक अमाल हम करते हैं उन सब का मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताली की रज़ा कि ये तमाम हम अमाल हम जिसके लिए करें उसका मकसद सबसे पहले क्या है अल्लाह ताला की रज़ा कि अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम अमाल करने का हुक्म दिया है इसीलिए हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये तमाम काम करें ना कि ज़ाहरी तौर तो लोगों को दिखाने के लिए दिखावे के लिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है अल्लाह ताला की रज़ा अब इस हदीस के ज़रिए जो है इस ये नतीजा निकलता है कि जितने भी हमारे ज़ाहरी नेक अमाल है, वो हैं वो ईमान के शुभे हैं चाहे वो कल भी हों चाहे वो लसानी हों चाहे वो इंसानी जिसम से अदा किए गए हों जैसे अगर हम कल भी देख लें तो दिल से अल्लाह ताला के तौहीद का इकरार करना रसूलों पर ईमान लाना यानी अज्जा ईमान पर दिल से एक ईमान लाना ये भी है और ज़बान से क्या है ज़बान से अल्लाह ताला का जिक्र करना ये ईमान का हिस्सा हुआ और इंसानी जिस्म से क्या आ, कौन से अमाल हम करते हैं नमाज पढ़ना रोजे रखना हज अदा करना ये हमारे जिस्मानी ज़ाहरी अमाल होंगे जो ईमान का हिस्सा हैं फिर आगे हदीस का हम दूसरा हिस्सा देखते हैं कि हदीस का दूसरा हिस्सा ये है कि हया जो है हया एक शाख ईमान की एक शाख है अब हया क्या चीज़ है हया जो है वो ईमान का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये कि एस, एक ऐसी खूबी है जिसके जरिए इंसान गुनाहों से दूर रहता है और किसी भी किस्म का चाहे वो छोटा गुनाह हो चाहे वो बड़ा गुनाह हो वो कर, अगर हया इंसान के अंदर मौजूद है तो वो क्या है वो किसी भी किस्म के गुनाह करने से गुरेज करेगा और इसके बारे में अगर वो और, और अगर इंसान के अंदर हया होगी तो वो अल्लाह ताला की नेमत है जितनी भी अल्लाह ताला ने उसको अता की है उसका शुक्रगुजार होगा अल्लाह ताला की ना शुक्री नहीं करेगा अगर इंसान के अंदर से ये हया ख़त्म हो गई तो इंसान को कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसको गुनाहों से रोक सके क्योंकि एक हया ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती है अगर इंसान के अंदर हया ही ख़त्म हो जाएगी तो वो गुनाहों पर गुनाहों के रास्ते पर चलता चला जाएगा और किसी भी किस्म का उसको गुनाह कोई छोटा या बड़ा नहीं लगेगा बल्कि वो बग़ैर किसी झिझक के गुनाहों के रास्ते पर चला जाएगा तो हया जो है ईमान की शाख है अब हया अगर इंसान के अंदर ख़त्म हो जाए तो वो अगर हम देखेंगे बहुत से गुना जैसे अगर औरत को अगर हम देख लें और औरत के लिए जो है हया जो है वो बहुत बड़ा वस्फ है औरत के लिए हया ईमान का हिस्सा कहा गया है जो औरत अगर हिजाब ना करे अगर पर्दा ना करे तो क्या है वो मुशरे में बहुत बड़ी बुराई का सबब बन सकती है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जैसे बयान किया गया है औरतों को के बीबियों से कह दें कि अपने सर पर ओढ़नियाँ डाल लिया करें और चेहरे को मतलब ढांप लिया करें अब बहुत सी लोग जो हैं वो इस आयत को कहते हैं कि औरत को मुंह ढाँकने का हुक्म नहीं दिया गया मुंह ढांपने का हुक्म नहीं दिया गया लेकिन क्या है औरत को मुकम्मल तौर पर मुंह ढाँपने का हुक्म दिया गया कि जब वो घर से बाहर निकलें तो कोई उनको तंग ना करे बल्कि वो पह, ताकि वो पहचान ना पहचानी ना जाए और ना ही उनको कोई तंग करे अब, अब कुछ औरतों का जो है वो ये सुनने में आया है कि अगर उनको पर्दा करने का हुक्म दिया जाए या मुंह ढाँपने का हुक्म दिया जाए तो आगे से उनका जवाब ये होता है कि हया आँखों में होती है शर्म आँखों में होती है अब इंसान ये देखे कि अल्लाह ताला ने जिन बीवियों को हुक्म दिया था क्या वो हयादार नहीं थी बल्कि दुनिया में उन उनसे ज़्यादा हयादार कोई औरत नहीं थी जब अल्लाह तला ने उन बीबियों को जो बहुत ही पाकिज़ा और पाक दामन बीबियाँ हैं उनको अल्लाह तला ने हुक्म दिया पर्दा करने का हुक्म तो आज की मुसलमान औरत पर्दा करने से क्यों इनकार करती है तो क्या है औरत पर्दे में रहेगी तो वो महफूज रहेगी अगर पर्दा नहीं करेगी तो वो क्या है दुनिया के लिए एक फितने का सामान बन जाएगी तो अब इसका हम तीसरा हिस्सा देखते हैं हदीस का तो हदीस का तीसरा हिस्सा क्या है अफजल तरीन शाख जो है ईमान की वो क्या है ज़बान से कलमा हक अदा कर करना यानी ल अपनी ज़बान से अदा करना है इसका इकरार करना क्योंकि जब तक हम अकैद तोहेद का हम इकरार नहीं करेंगे उस वक्त तक हम किसी भी अजय ईमान को अ, अ, नहीं मान सकते सबसे पहला जो अमल है वह हम अकीद का करेंगे अगर हम अकीदे तोहेद का इनकार कर दें और आगे अकीद रिसालतदा आखरत बाकी हर अक़ीदे को मान लें तो क्या है हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम अकैद तोहेद पर ईमान नहीं लाएँगे उस वक्त तक हम बाकी अकायद पर भी अमल नहीं कर सकते तो और एक और हिस्सा जो हदीस का बताया गया कि इन शोबों में सबसे कमतर शोबा जो क्या है वो तकलीफ दे चीज जो है वो रास्ते से हटा देना अब इस्लाम को हम देख लें इस्लाम कितना खूबसूरत दिन है वो हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हमें दे देता है जैसे मुस्कुरा कर देखना ये भी सदका है ये नेकी है न किसी से खुश होकर मिलना ये भी नेकी है किसी को किसी की मदद कर देना वो भी नेकी है अब इस हदीस में देखें क्या है रास्ते से एक मामूली सी चीज़ एक ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए नुकसान का बायस बने चाहे वो छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो चाहे वो कांटेदार कोई चीज़ ना हो कि वो किसी दूसरे इंसान के अगर पाँव में लग गई या उसको किसी भी किस्म का नुकसान उसको पहुँचा सकती है तो वो भी रस्ते से हटा देना वो क्या है उसके बदले भी अल्लाह ताला क्या है वो नेकी है तो अगर अगर हम रस्ते से छोटा सा पत्थर भी हटा देते हैं या कोई भी तकलीफ़ दे चीज़ हो जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बने तो उसमें हालांकि इतनी मुशक्कत नहीं लग रही ना ही हमारा कोई पैसा खर्च हो रहा है ना ही हमारी कोई ताकत खर्च हो रही है क्या है बिल्कुल एक छोटी सी हरकत होगी जिसे वो तकलीफ दह चीज़ जो है वो हम रस्ते से हटा देंगे और दूसरों की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी तो क्या है जो फिर इस इस अमल को करने से भी अल्लाह ताला क्या है बहुत मामूली सी मामूली सा काम है जिसको करने से अल्लाह ताला हमें नेकी दे रहा है तो ये काम करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेकियां हमें छोट छोटे छोटे कामों पर अल्लाह ताला ने नेकियां हमें लिख दी गई हैं कि इस काम पर हमें नेकी मिलेगी तो और इ, 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 इस्लाम हमारा जो है वो ऐसे कामों से भी मना करता है जिससे दूसरों लोगों को तकलीफ हो छोटे छोटे काम अब जैसे आजकल के दौर में अगर हम देख लें तो लोग अपने घरों की सफाई आम मामूली सी बात अगर हम देख लें तो लोग अपने घर की सफाई कर देते हैं और पानी सारा जो है वो रस गलियों को ख़राब करता है गलियों में कीचड़ का बाइस बनता है और कूड़ा क्रिकेट जो हम गलियों में फेंक देते हैं वो चारों तरफ फैल जाता है जिससे नमाजी जो हैं वो आते जाते कीचड़ से परेशान होते हैं कूड़ा क्रिकेट से उनके कपड़े गंदे हो सकते हैं तो अगर हम इसी छोटी चो, छोटी बातों का अगर हम ख़्याल रखें तो ना हम दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनेंगे बल्कि अगर हम सफाई का भी अगर हम अपने ख़्याल रखेंगे तो जहाँ हमने अपने घर की सफाई की है वहीं हम बाहर गली को गली को भी थोड़ा सा साफ कर लें तो क्या है ना दूसरे इस गंदगी से अपने अ, गंदगी उनके कपड़ों को गंदा करे गंदा करेगी ना ही नमाजी परेशान होंगे तो इससे क्या है इससे भी हमें नेकी मिलेगी और इंसान को राहत पहुंचाने का सबब बनेगी अब ये थी हमारी आज की हदीस उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़